जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मी दिवाकरम। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सूर्य को अर्घ्य देने का सही विधान और सही विधि बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। सूर्य भगवान को जल जो प्रतिदिन प्रदान करता है वह धन धान्य संपत्ति को प्राप्त करता है। इस ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य है और वैदिक काल से सूर्योपासना यानी सूर्य की आराधना अनवरत चली आ रही है। भगवान सूर्य के उदय होते ही संपूर्ण जगत का अंधकार नष्ट हो जाता है और चारों ओर प्रकाशी प्रकाश फैल जाता है। सृष्टि के महत्वपूर्ण आधार है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की किरणों को आत्मसात करने से शरीर और मन स्फूर्तिवान होता है। नियमित सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से, जल देने से हमारी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। बल, तेज, पराक्रम, यश, उत्साह, आत्मविश्वास ये सब बढ़ता है तथा हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो धन, वैभव, संपत्ति तथा पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। सूर्य उपासना के लिए सूर्य अर्घ्य नियमित रूप से देना चाहिए तथा भगवान सूर्य को नमस्कार भी करना चाहिए। सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो जाए और जब सूर्योदय हो, जब सूर्य की किरणें लाल लाल दिखे उस समय अर्घ्य देना प्रारंभ करने का समय शुरू होता है। यानी जब सूर्य उदय होता है उस समय सबसे श्रेष्ठ अर्घ्य देने का उत्तम समय हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है। इसके बाद आप सूर्य उदित हो जाए उसके एक घंटे बाद तक सर्वोत्तम समय माना जाता है। वैसे तो आप सूर्य भगवान को प्रातः 8 बजे के पहले पहले किसी भी अवस्था में जल अवश्य चढ़ा दें, तभी आपको पुण्यों फल की प्राप्ति होगी। सूर्य उदय होने के पश्चात या सूर्य जब उदय हो रहा हो उस समय एक कुशा का आसन लगा ले और उस आसन पर खड़े होकर के तांबे का लोटा ले ले और तांबे का पात्र लेना चाहिए या फिर और अन्य धातु का भी आप लोटा ले सकते हैं। अर्घ्य चढ़ाने के लिए प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें सर्वोत्तम धातु यदि कोई है तो वह तांबा धातु है। तांबे का लोटा अर्घ्य चढ़ाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है और तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले। शुद्ध जल में आप मिश्री मिला ले, गुड़ मिला ले या कोई भी मीठी वस्तु मिला ले जिससे आपका जो है दिया हुआ अर्घ्य सूर्यनारायण भगवान शीघ्र ही स्वीकार कर लेंगे। तांबे के लोटे में लाल कुमकुम डाल देना चाहिए या लाल चंदन भी डाल देना चाहिए तथा लाल पुष्प डालने का भी विधान है। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य आगमन से पहले नारंगी किरणें प्रस्फुटित होती दिखाई दे आप दोनों हाथों से तांबे के लोटे को पकड़ करके इस तरह जल चढ़ाए कि सूर्य जल चढ़ाती धार से आपको दिखाई दे। यानी आपके हाथ आपके सिर से ऊपर होना चाहिए और जो जल आप चढ़ा रहे हैं वो किरणें जल के माध्यम से आपके शरीर के अंदर आना चाहिए। जमीन पर जलधारा गिरने से जल में समाहित सूर्य ऊर्जा धरती में चली जाएगी और सूर्य अर्घ्य का संपूर्ण लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि जो जल की धारा गिरे वो किसी पात्र में गिरे। यदि चाहे तो आप अपने घर के गमले में भी इस प्रकार धारा चला सकते हैं। इससे वो जल आपके पैरों के नीचे भी नहीं आएगा और वह जो जल आप चढ़ा रहे हैं वह भी भगवान सूर्य तक पहुंच पाएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के वैसे तो कई मंत्र बताए गए हैं लेकिन प्रमुख मंत्र ये है, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपे माम भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरः। और दूसरा मंत्र है, ओम रिम रिम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। यदि यह मंत्र आप नहीं बोल सकते हैं तो केवल आप ओम सूर्याय नमः
सूर्य को जल चढ़ाते समय केवल ओम सूर्याय नमः इस महामंत्र का भी आप जाप करते रहेंगे तो आपको वही फल प्राप्त होगा। और सूर्य भगवान को जब आप जल दे करके संपन्न हो जाए तब प्रणाम करें, नमस्कार करें, और नमस्कार करने के बाद में आपको परिक्रमा लगाना चाहिए। सभी देवताओं की अलग अलग संख्या में परिक्रमा लगाने का विधान है। एक चंड्यार वह सप्त तीसरा कार्य विनायको हरेश्चतस्र कर्तव्या शिवस्यार्ध प्रदीक्षण। परिक्रमा करने का अलग अलग देवताओं का विधान है। इसी प्रकार भगवान सूर्य नारायण की सात परिक्रमा करने का विधान है। यानी जब आप भगवान सूर्य को जल दे दे उसके बाद अपने सीधे हाथ की तरफ से यानी क्लॉकवाइज आपको सात परिक्रमा करना चाहिए। यदि आप प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद सात परिक्रमा करेंगे तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी तथा सूर्य भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक दिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ देने का सबसे उत्तम समय होता है। सूर्योदय से एक घंटे पूर्व से लेकर के एक घंटे बाद का जो समय होता है वह सबसे सर्वोत्तम माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य भगवान चूंकि आकाश मंडल में कई बार हमें दिखाई नहीं देते हैं, कई बार बादलों के बीच में छुपे रहते हैं, ऐसे में भगवान की जो ऊर्जा आती है, जो प्रकाश आता है, उसी को हम माध्यम बनाकर यदि सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो वही फल हमको प्राप्त होगा। क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है और उन्हीं के कारण संसार में प्रकाश प्रज्वलित होता है। और उसी प्रकाश को हम सूर्य भगवान की किरणें मान करके यदि जल चढ़ा देंगे तो भी हमको वही फल प्राप्त हो सकेगा। और जब हम सूर्य को जल चढ़ा दे उसके बाद हमको सात परिक्रमा आसन पे खड़े होकर के करना चाहिए और उसके बाद लोटे में से थोड़ा सा जल या किसी अन्य पात्र से थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे डाल करके उस जल को उंगली से उठा करके अपने नेत्रों से और मस्तिष्क से लगाना चाहिए। ऐसा यदि करेंगे तो हमारे पुण्य हमारे साथ ही रहेंगे और यदि नहीं करेंगे तो इंद्र देवता हमारे पुण्यों को चुरा करके ले जाएंगे। यदि आप चाहें कि आसन नहीं बिछा सकते हैं तो कोई भी लकड़ी के पटे के ऊपर आपको खड़े होना चाहिए या कंबल के आसन के ऊपर आपको खड़े होना चाहिए या अन्य कोई भी आसन के ऊपर खड़े होकर के यदि आप जल चढ़ाते हैं और इस प्रकार का विधान संपन्न करते हैं तो आपको सूर्य अर्घ का पूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा। सूर्य को अर्घ चढ़ाने का वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि प्रत्येक दिन जो सूर्योदय के समय सूर्य भगवान की तरफ मुँह करके खड़ा होता है उसका उत्तम स्वास्थ्य रहता है तथा उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को जो इस संसार में आया है उसको सूर्य अर्घ जरूर देना चाहिए। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जब महिलाएं मासिक धर्म या पीरियड में रहती है उस दौरान सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल नमस्कार करके प्रणाम कर लेना चाहिए। इस प्रकार सूर्य भगवान को अर्घ देने का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है। इस विधि से यदि कोई भी प्राणी प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और भगवान सूर्य का भरपूर आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।